अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम लोग तीन में से सिर्फ एक ही मैच जीते हैं अभी, और सीन यह है कि अब हमारा है डू और डाई मैच। अगर ये मैच हम जीते हैं तो हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे क्वार्टर फाइनल के लिए, और अगर हम लोग हारते हैं तो बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। तो इंशाल्लाह ये मैच जीत के हम लोग क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। टॉस जीत कर हमने पहले बैटिंग का फैसला किया। ये पहला बॉल मैच का हमजा स्ट्राइक पे, और पहला बॉल ही वाइड। और नहीं क्या, ड्रॉप कर दिया। दराज खुल गए, कैबिनेट खुल गया, सब बंद हो गया भाई। और बहुत ही खूबसूरत शॉट और ग्राउंड से बाहर बॉल और 6 रन। एक और खूबसूरत शॉट और ये भी 6 रन। और एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, बुलंदों वाला छक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट, अच्छा बॉल, एक और अच्छा बॉल। 2 की कॉल है। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट हारू भाई का, और फ्लैट 6। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इन दोनों से, और अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह यार। अल्लाह करे कि हम ये मैच जीत जाएं, क्योंकि ये मैच जीतेंगे तो हम नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। बहुत ही क्रूशल मैच दोनों टीम्स के लिए, जो भी मैच जीत जाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। और वाइड बॉल, और एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, बुलंदों वाला छक्का। बहुत ही बॉल घूमेगी, बॉल घूम गई और मां जामी भी घूम गए। 4 रन और बहुत ही पीछे बॉल किया था, सिंगल हुआ लेकिन एक्सपेक्ट। और खूबसूरत शॉट यार, बहुत ही प्यारा शॉट। और ये लकी वन का खूबसूरत, एक और खूबसूरत शॉट। और एक और खूबसूरत छक्का, यूनिक एक्शन से बॉल करा रहे हैं। और खूबसूरत शॉट, और मेरे ख्याल से फ्लैट 6 मार दिया। 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन। और खड़ी तो नहीं कर दी, और फराज आए नए बैट्समैन, और फिर पहली बॉल पे आउट फराज। फराज का आज दिन ही नहीं है, कंसेक्यूटिव चौथे मैच में जल्दी आउट हो गए। ओवर का चौथा बॉल और एक ही रन, हमजा एक ही होगा, सही है, दोनों खुद ही खेलो। ओवर का पांचवा बॉल और हमजा का एक और उड़ता हुआ छक्का, बॉल गई सीधा ग्राउंड से बाहर और लकी वन मॉल के पास। हमजा का आज आखिरी मैच में जो बैट चला है सही टाइम पे चला है, तो डू और डाई मैच था और ये मैच हमें जीतना लाजमी था, और सही टाइम पे बैट चला है इसका, और इंशाल्लाह ये मैच हम लोग यहाँ से जीत सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया। और आखिरी बॉल पर भी छक्का मारा है, एक्सेलेंट बैटिंग यार, एक्सेलेंट बैटिंग। ये बॉल गई के F4 में, एक्सेलेंट बैटिंग हमजा की तरफ से। तो हमारे साथ मौजूद है RPL के बहुत बड़े स्पॉन्सर शाहिद अफरीदी की तरफ से आए हैं, नकीब भाई और साद भाई। तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये इवेंट RPL का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के, इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट आप लोगों ने अरेंज किया हुआ है। और सीधी बात ये है कि जहाँ पे क्रिकेट हो वहाँ लाला ना होता था हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो हर जगह पे जहाँ पे क्रिकेट होगा वहाँ लाला का ब्रांड तो होना चाहिए ना। तो बात हो रही थी हमारी Apex से, तो Apex ने बोला यार आए हमारे साथ क्रिकेट का, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हमने कहा बिल्कुल हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमने कहा हम मेन स्पॉन्सर बनना चाहते हैं। और अच्छा लगा, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, कॉर्पोरेट लेवल पे भी होनी चाहिए और एम्प्लॉय ब्रांड मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, और इस तरीके की इवेंट से जो है ना वो प्रमोशन भी मिलती हैं, और क्रिकेट वाली जो चीज़ें हैं वो लोग निकल के आगे भी आते हैं, और यही लोग हैं जो आगे जाके फिर नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यार जब बंदा पूरे 30 डेज काम कर रहा होता है तो उसको थोड़ा एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होते हैं, और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल सही, साथ में दो अल्फाज आपके भी चाहेंगे। स्पोर्ट्स ज़रूरी है यार, आपके एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है।
है। ये हसन ने पहली बॉल वाइड कर दी है, ये दूसरी बॉल करते हुए हसन दूसरी बॉल की जानब, और ये एक और अच्छी बॉल और ये बहुत ही भरा हुआ शॉट और सीधा फील्डर के हाथों में, बहुत प्यारी बॉलिंग जो पाइप है, बहुत प्यारा शॉट, कैश का दोबारा चांस नहीं लिया जा पा रहा, बॉल भी घूम रही है और फील्डर बहुत देर से बॉल के पास पहुंचे, खाना खा चुके हमारे साथ माज़ अहमद भट्ट और ये ओ गुड बॉल, बहुत लोग और ये भरपूर शॉट, फील्डर मौजूद अच्छी के लिए शॉट नहीं सीन है, वेल ट्राई, रन आउट का मौका और अगर ये डायरेक्ट होती तो जरूर आउट होता। बारिश की तरफ से खुद ही बॉलर खुद ही चीज, और ये शॉट छक्के की जानिब और इट्स अ सिक्स। तनाज की जानिब से कोई खुशी का माहौल नहीं है, पता नहीं क्यों सर जोड़ के बैठे हैं, तो हर तरह से सपोर्ट को सपोर्ट मिल रही है लेकिन सपोर्ट खुद ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दोबारा कोशिश हमजा की जाने से और ये कैप्टन है, बहुत आला बॉलिंग दराज मैवरिक्स, और एक और उठता हुआ शॉट और एम्पायर का इशारा छह की तरफ, बॉलर रन अप लेते हुए गुड बॉल, और एम्पायर की उंगली एक रन के लिए साइड की तरफ जा रही है। ओ अच्छी ट्राई थी लेकिन कैच ड्रॉप, और ये आउट, और इस तरह सपोर्ट शाहीन फाइनली क्वालिफाई कर गए हैं क्वार्टर फाइनल के लिए, और ये हमारे हारिस भाई आते हुए इस मैच में फाइनली हारिस भाई ने बैटिंग में परफॉर्म करा, ना हो या ना हो बॉलिंग में बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करा, नहीं यार देखिए मजाक होना चाहिए वरना व्यूअर्स जो है ना बोर हो जाएंगे, पता नहीं था क्या बॉलिंग ऑलराउंडर है, हमें बैटिंग ऑलराउंडर लगे थे, ये हमारे कैमरामैन माज भाई की तरफ से पूरे जॉइंट सिक्सेस हैं, हां हम लोग क्वालीफाई कर गए, थैंक यू एक्सीलेंट बैटिंग भाई हमजा, इसी साल शादी करनी है, क्या बात है यार, मजा आ गया बैटिंग देख के यार, एक्सीलेंट शाबाश, और आज क्वार्टर फाइनल में 13 दिनों का इंशाल्लाह, शाबाश कोई मसला नहीं है, शाबाश है, एक्सीलेंट बॉलिंग यार, अगर टूर्नामेंट्स में मनोरंजन ना हो तो वो टूर्नामेंट, जो बात है यार, रोल रोल धुल के हम लोग पहुंच ही गए भाई, एक्सीलेंट बॉय शाबाश, हाँ बहुत सपोर्ट किया, अहमद भाई ने भी आईबैक्स अभी ज्वाइन किया है, अहमद भाई बहुत सारे फैंस हैं जो आपको देख रहे होंगे इस वक्त, समझ रहे ना आपको, कैसी लगी जीत आपको, अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड़े मुश्किल से जीते लेकिन जीत गए, शुक्र है आज भाई का कराम करती है कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से मैच जितवाया, 90 टारगेट दिया था और सामने वाली टीम को बनाना बहुत मुश्किल में आ गया था, 50 रन से जीते अल्हम्दुलिल्लाह।